जी, आई एम डॉक्टर लक्ष्मी। सो समर्स में टैनिंग का प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, तो इसके लिए एक नेचुरल फेस मास्क बनाएंगे हम, जो आपको आपके घर में ही होममेड आइटम से बनाना है। एंड ट्रस्ट मी, इसके बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स आपके फेस पे मिलेंगे। आपका जो फेस पे टैन है, अनइवन स्किन टोन है, उसको ये बहुत ही आराम से हटा देगा। आपको क्या करना है, आपको एक चम्मच बेसन लेना है, उसमें आपको एक चम्मच कर्ड मिक्स करना है। जो बेसन है ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, लाइटन, ब्राइटन और वाइटन करेगा। एंड जो कर्ड है, इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, ये भी आपके स्किन को सॉफ्टन आउट करेगी, मॉइस्चराइज करेगी, हाइड्रेट करेगी। तो इन दोनों को मिक्स करना है। अगर आपको पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है तो आप कच्चे आलू का रस जूस निकाल के वो भी अगर डालेंगे तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। इस फेस मास्क को आपको हफ्ते में एक बार ही लगाना है, और उसके बाद 15 मिनट लगाने के बाद अपना फेस आप वॉश कर सकते हैं। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता है तो आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं, एंड कर्ड की जगह आप कच्चा दूध भी डाल सकते हैं। तो ये फेस मास्क इस समर सीजन में आप जरूर से ट्राई करिएगा। एंड ऑफ कोर्स अलोंग विद दिस फेस मास्क, आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है अगर आपको टैनिंग से बचना है, एंड आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम्स वो भी जरूर लगानी है। थैंक यू।